ढीली हाफ पैंट, सर पर हैट और किसी बॉडम जैसे हाव भाव वाले पोपट लाल ने एक जमाने में फिल्मी दर्शकों को खूब हंसाया, लेकिन अब उन्हें शायद ही कोई याद करता हो। दरअसल रुपहले पर्दे की यही सच्चाई है, जब तक पर्दे पर नजर आते रहो बस तभी तक लोग याद रखते हैं। नासिर हुसैन निर्देशित फिल्म जब प्यार किसी से होता है, इसमें राजेंद्र नाथ ने पोपट लाल के रूप में अभिनय किया। वह किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें राजेंद्र नाथ की जगह पोपट लाल के नाम से याद करने लगे। राजेंद्र नाथ का परिवार पेशावर का रहने वाला था। आजादी से पहले उनके पिता मध्य प्रदेश की रीवा स्टेट में पुलिस अधिकारी होकर आए और आईजी के रूप में रिटायर हुए। राजेंद्र नाथ के 7 भाई और 4 बहनें थी। पिता के रिटायर होने के बाद उनका परिवार जबलपुर आ गया। पृथ्वी राज कपूर से उनके परिवार के बेहद घनिष्ठ संबंध थे। यहाँ तक कि राज कपूर से राजेंद्र नाथ की बहन कृष्णा की शादी भी हुई। इस शादी के बाद राजेंद्र नाथ के भाइयों ने फिल्मों में भविष्य तलाशना शुरू किया। सबसे पहले राजेंद्र नाथ के बड़े भाई प्रेम साहब मुंबई पहुंचे। उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया। जब उन्होंने फिल्मों में भी पैर जमा लिया तो उन्होंने राजेंद्र नाथ को अपने पास बुला लिया। राजेंद्र भी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं थे। एक दिन प्रेम नाथ ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि वे गंभीर हो जाएं और अपने खर्चे खुद उठाएं। प्रेम साहब के इस रवैये ने राजेंद्र नाथ को अचानक गंभीर बना दिया। उन्होंने फिल्मों में काम खोजने के लिए भागदौड़ शुरू की और तब उन्हें पता चला कि संघर्ष किसे कहते हैं। पहली फिल्म मिली अशोक कुमार अभिनीत वचन, जिसमें उनकी बहुत छोटी सी भूमिका थी। इसके बाद बेगम और बादशाह, गुलाम सहित कुछ फिल्मों में उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिली तो उनका हौसला बढ़ने लगा। प्रेम साहब को यह देखकर बहुत सुकून हुआ और उन्होंने राजेंद्र नाथ को हीरो बनने के लिए प्रेरित करना शुरू किया, लेकिन राजेंद्र नाथ को कोई भी हीरो के रूप में काम देने पर तैयार नहीं था। कहीं से काम मिलता ना देख प्रेम साहब ने खुद राजेंद्र नाथ को अपनी फिल्म गोलकुंडा का कैदी में साइड हीरो का रोल दिया। 1954 में रिलीज हुई यह फिल्म फ्लॉप हो गई। साथ ही राजेंद्र नाथ का हीरो बनने का जोश ठंडा पड़ गया। इसके बाद 5 साल तक राजेंद्र नाथ काम की तलाश में भटकते रहे और बीच बीच में छोटे मोटे रोल करते रहे। यह इत्तफाक था कि एक दिन आईएस जौहर से हुई मुलाकात ने उनकी गाड़ी को पटरी पर ला दिया। 1959 में जौहर एक फिल्म बना रहे थे, हम सब चोर है। इस फिल्म के लिए उन्होंने राजेंद्र नाथ को हास्य भूमिका दी। फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र नाथ के काम की भरपूर तारीफ हुई। जौहर ने राजेंद्र नाथ को अपनी अगली फिल्म नरगिस प्रदीप कुमार अभिनीति मिस इंडिया में मौका दिया। साथ ही एचएस रवैल ने अपनी फिल्म शरारत में काम दिया। दोनों फिल्म सफल रही। इन सफलताओं से राजेंद्र नाथ फिल्मी दुनिया में हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित होने लगे। लेकिन राजेंद्र नाथ को स्टार कॉमेडियन का झंडा उठाना था और इसका मौका मिला उन्हें फिल्म दिल देके देखो में। इस फिल्म के बाद राजेंद्र नाथ की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया कि पहले उन्हें काम मांगने जाना पड़ता था, अब काम खुद उनके पास आने लगा। फिर आई 1961 में नासिर हुसैन निर्देशित फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इसमें राजेंद्र नाथ ने पोपट लाल के रूप में अभिनय किया। अजीब कपड़े पहने बेहद बॉडम इंसान के रूप में राजेंद्र नाथ को बहुत प्रशंसा मिली। नासिर का हास्य बोध बहुत अच्छा था। उन्होंने राजेंद्र नाथ से इतना जबरदस्त काम लिया कि पोपट लाल राजेंद्र नाथ के नाम से जुड़ गया। यही नहीं, उनको ऑफर मिले कि वो पोपट लाल के रूप में स्टेज शो करें। ऐसे शोज को अपार लोकप्रियता मिलने लगी। पोपट लाल शो में राजेंद्र नाथ खास अंदाज में स्टेज पर चुटकुले सुनाते और मिमिक्री करते। उनके शो यूरोप और अमेरिका में भी धूम मचाने लगे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र नाथ का सिक्का जम गया। 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी कर ली। फिल्मों में राजेंद्र नाथ की व्यस्तता बढ़ती गई, लेकिन तभी एक कार दुर्घटना में वो बुरी तरह जख्मी हो गए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया।
फिर भी उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया। महमूद, जॉनी वॉकर, मुकरी, केशटो मुखर्जी जैसे दिग्गज हास्य अभिनेताओं के दौर में राजेंद्र नाथ ने अपनी मेहनत से अलग स्थान बना लिया। 1974 में उन्हें फिल्म बनाने की सूझी। बरसों से इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद उन्हें लोगों को पहचानना नहीं आया था। इसके अलावा उन्होंने अभिनय के अलावा किसी फिल्म निर्माण की बारीकियों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें तो अपनी साख और संबंधों पर भरोसा था। रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लेकर उन्होंने फिल्म ग्रेट कैशर शुरू की, लेकिन जल्द ही राजेंद्र नाथ भारी कर्जों में डूब गए। उसी दौर में हास्य अभिनेताओं के लिए फिल्मों में स्थान कम होना शुरू हो गया था। कर्ज निपटाने के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, फिर भी कर्ज नहीं निपट रहा था। ऐसे आड़े समय में बड़े भाई ने फिर साथ दिया। निर्माता बनने के सपने ने राजेंद्र नाथ को बुरी तरह तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजेंद्र नाथ ने फिल्मों में अभिनय की दूसरी पारी शुरू की। राज कपूर की प्रेम रोग और बीवी ओ बीवी में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान उनके छोटे भाई खलनायक नरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को वो बहुत प्यार करते थे। उनकी मौत के बाद राजेंद्र नाथ की दुनिया से जी उचाट हो गया। उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। तब तक फिल्मी दुनिया भी बहुत बदल चुकी थी, लेकिन पोपटलाल शो की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। उन पर ये शो करने का दबाव बना ही रहता था, इसलिए वो दुनिया भर घूम घूम कर पोपटलाल शो करते रहे। 90 के दशक में काजोल की पहली फिल्म बेखुदी और नीलम अभिनीति सौदा राजेंद्र नाथ की अंतिम फिल्में थी। अभिनय के अंतिम पारी उन्होंने हम 5 धारावाहिकों में पूरी की। राजेंद्र नाथ ने सबसे अधिक प्रभावशाली रोल अपने गहरे दोस्त शम्मी कपूर के साथ किए। जानवर, जवां मोहब्बत, तुम हसी मैं जवां जैसी कई फिल्में राजेंद्र साहब के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। शम्मी से उनकी दोस्ती पृथ्वी थिएटर में काम करने के दौर में शुरू हुई और आखिरी तक कायम रही। इसके अलावा दरबारा स्कूल रीवा के अपने सहपाठी कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह से भी उनके रिश्ते बने रहे। कॉमेडियन के रोल का सारा श्रेय लेखकों के देने वाले राजेंद्र नाथ दुखी होकर बताते थे कि जब से कॉमेडियन की जगह हीरो को दे दी गई, हास्य अभिनेताओं के पास काम ही नहीं बचा। एक बेटी और एक बेटे के बाप राजेंद्र नाथ कई साल से अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे थे। कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। 175 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस अभिनेता ने 13 फरवरी 2008 को जब मुंबई में अंतिम सांस ली, तो उनकी मौत अहम खबर तक नहीं बन सकी।